सो गाइस देखो यार, हम लोग ये वाली गाड़ी उठाने के लिए आए थे यहाँ पे सेक्टर 29 पे भाई, पर ये भी नहीं मिली यार आज। बोले हाल वाले एक बार करके दिखाते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो गाइस, आज के व्लॉग में भाई हम लोग आ रखे हैं पार्क में भाई प्रैक्टिस करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। और सन्नी भाई की बॉडी की पंप देखो भाई साहब, आप ऐसे हैरान हो जाओगे, जिंदगी में ना देखी होगी आपने ऐसी बॉडी भाई। हाँ बेटा, लेकिन एक चीज होता करके दिखा दे यार, एक बार सनी करके दिखा दे। उस टाइम से क्या कर, एक बार ना, एक बार यार, मैं इसीलिए तो ब्लॉग बनाया यार तेरे चक्कर में। एक बार इसको पहन ले, बिना पहने यार जब भी तो मजा है, कर ना एक बार यार, जल्दी कर, जल्दी जल्दी पहन, चल स्टार्ट। देख ओए, देख देख अब इसका बॉडी देख, पंप अप, चल चल, थ्री रहने दे छोड़। चलो गाइज, बहुत हो गया आज, देख लिया इसकी बॉडी, इसे और दिन देखेंगे। बाकी भाई अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, और भाई आज अपने ब्लॉग में भाई देखो सपाटे मार रहा है ये अंकित, और भाई का नाम थोड़ा सा मेरे को नहीं पता, क्या नाम है ब्रो? मनीष। चलो भाई चल सपाटे, बढ़िया बढ़िया। चलो भाई अब हम भी सपाटे पाटे मारते हैं, और ऐसे फालतू लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग भाई वर्कआउट करके निकल चुके हैं। Here I am. Here is our Ankit, with Sasta vlogger. Yeah. Doing exercise every day. But every day नहीं, खाली today. No, I am doing every day. अच्छा तू every day ना, बाकी मैं भी every day ही चल रहा था, but थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ सर, सर आ गए गरीब के घराने पे। सर big fan सर। Today as we join our Sasta vlogger, we feel very good. Oh oh. फिर से और थोड़े से English और मांगता है public, चल। एक बार करके दिखाते हैं। कर दो भाई, कर दो, देखो अब यार अंकित भी बोल रहा है। तो भाई जब यहाँ से निकलते हैं घर, और भाई अपने दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। बाकी आज तो एडी भी अपने साथ है, सो हेलो एवरीवन। सो गाइज, अभी है मेरे पास भाई विजय, और भाई हम दोनों जा रहे हैं आज भाई उलो गाड़ी उठाने के लिए। और भाई हाँ, आप लोग सोच रहे हो भाई उलो गाड़ी कौन सा है, मैंने ना एक गाड़ी बुक करी है, इतनी बस वाली बड़ी वाली गाड़ी नहीं है, एक छोटी सी है, क्या बोलते हैं उसको विजय, इलेक्ट्रिक, हाँ इल्लू लिल्लू सब जानते ही होंगे भाई। तो अभी चलते हैं उसको उठाने के लिए, सेक्टर 29 जाना है, तो सुबह सुबह भाई अपनी बाइक पर चल रहे हैं। सो गाइज देखो यार, हम लोग ये वाली गाड़ी उठाने के लिए आए थे यहाँ पे सेक्टर 29 पे भाई, पर ये भी नहीं मिली यार आज, क्योंकि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी तो है, बट ये भाई की है यार, तो हमें अपनी गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे, मतलब नई पीस आनी चाहिए वो है ही नहीं। अब भाई क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा भाई, ये यूलो लेने का एक चक्कर है, मैं ये लेने के बाद बताऊँगा आप लोगों को। हाँ भाई क्या देख रहा है, यूपा लिखा है। अरे वो पता नहीं क्या है भाई लिखा, वैसे कंपनी यूलो है, लिखा है यूमा। चलो भाई जो भी है यार, क्या करें यार, दिमाग खराब था, दिमाग और ख़राब हो गया। ओ मत कर, अरे चेक कर रहा हूँ, आगे भाग गई ना वो एक बार भाई, इसी को बोलते हैं उलो लोग है ना, रेड लाइट है, चल जाएगा थोड़ा बार बोल जाएगी। अवन घमौरी आज से मेरे पूरे डोए आ गए, क्या हो रहा है अवन तुम्हें, हैं बता क्या हो गया, जो रहा है ना लाइक जोर वंदन घाम में इंदर इस तेंसे का होता तो ताती आ जाए, मैं जाऊँ आ जाऊँ तो आई बाय टाटा तब। सो गाइस, विजय और मैं वहाँ से वापस आ चुके थे, और यार अभी ना मैं फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाई अपने नियर बाय स्टोर पे, यूलो स्टोर पे, क्योंकि यार मेरे को ना क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई, मैं बता दूँ आपको, मेरे साथ ना भाई पैसे तो काट लिए यूलो कंपनी में, मैंने पैसे भर दिए, मेरे को स्कूटी चाहिए थी, पैसे तो भर दिए, बट भाई सीन ही हो गया ना, उस बंदे ने मेरे को स्कूटी नहीं दिलाई जिसने मेरे पैसे काटे, तो भाई और फ़ोन भी नहीं उठा रहा ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अभी चलते हैं भाई उलो स्टोर पे, वहाँ पे चल के भाई पता करते हैं कि मतलब क्या सीन रहेगा क्या सीन नहीं रहेगा, और भाई वो बंदा मिलेगा ना तो उसको बताऊँगा सबसे पहले तो मैं, क्योंकि यार भाई ना बंदा फ़ोन उठा रहा है, ऊपर से फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा पड़ा है। तो नाम भाई उसका संजीत है, यू ब्लॉक में स्टोर है, और मैं वहाँ पर यूलो स्कूटी निकालने के लिए गया था, तो उसी ने करा था मेरा रेफर अपना कोड जो उसी ने लगाया था, बट भाई स्कूटी नहीं दी मेरे को अभी तक, और ये 3-4 दिन हो चुके हैं और अभी तक स्कूटी नहीं मिली। तो फटाफट से चलते हैं भाई, मेरा दोस्त आ रहा है अभी अरकम, फिर अरकम से भी मिलेंगे, और उसको बुला रहे हैं अभी, तो उसको बुलाने के बाद फिर
फिर देखते हैं भाई इसके बाद होता क्या, मिलती है नहीं मिलती आगे जाकर पता चलेगा भाई। सो गाइस जब मैं पहुंच चुका हूं अरकम के पास, क्या हाल चाल? चल फोन मिला भाई इसको। और सर क्या हाल है? हालत खराब है, हाल है। अभी भाई बंदे बैठे इतने मस्त मस्त पेड़ के नीचे। बाथरूम का किसी को बुला के लेकर आने को लाया अभी। बुला के क्या अपने पति? बुला के क्या, ये अकेला ही काफी है। तू चलेगा साथ में? इतना मोटा पेट लेके क्या करेगा, चल जिम जाओ। जिम जाओ। परेशान है रे, ऐसे हर कब तू भी और मैं भी परेशान हुए थे काम के लिए। हैं शुरू में हुए थे बहुत हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। बस मिल जाए, कुछ भी करने, हम सब कुछ ही करने को यार रहे हैं। कभी फोन होता है, कभी फोन खराब होता है हमारा, तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। दिन मेरा देखो अच्छा लग रहा है ना, काला काला अरकम ए लिखा हुआ टैटू बनवाया था मैंने, वो जमीन अच्छी टैटू कर दी थी ना ऐसा करके घिसट गया मैंने, ये बन गया। सही है लगी थी। हम लोग हैं ब्लिंकिट के स्टोर के साइड में, यहाँ पर देखो इतने सारी बाइक खड़ी है, प्लस भाई अपने बंदे भी यहीं हैं, इसमें ही काम कर रहे हैं। तो अभी अरकम को लेकर जाएंगे, पहलवान को। ये देखो यार अरकम के कैसे लग गया भाई, रुक जा, सही से नहीं दिखाई दे रहा यार, धूप के मारे चमक रहा है ना इस साइड से धूप। हाँ अब दिखेगा। अरे ओ भाई यार, और कर ले और दिखा ले टैटू भाई, टैटू बनवा लिया इसने एक और। ऐसे जाइयो, ऐसे जाइयो, वैसे जाइयो, वैसे वैसे जाओ, वैसे जा। हाँ और लंगड़ाते लंगड़ाते, थोड़ा और लंगड़ा ले। सो गाइस अभी यार अरकम का ऑर्डर बच गया था, तो भाई अभी अरकम के साथ ऑर्डर मारने आए, तो अभी भाई ऑर्डर छोड़ने आए हम इधर। देखो ब्लिंकिट का पैकेट भाई, देखो झाड़ू भी मंगाते हैं। एक दिन पता है वाइपर लेके गया, हाँ मैंने 200 रुपये भाई कैसे रखूँ इसको, बोले हाल वाले। अब मैंने हाल लगाया, मैं तलवार लेके सब लड़की आ सकूँ। रुक मैं देख के हूँ। सो भाई ऑर्डर पहुँचा दिया है, अब यहाँ से निकल रहे भाई। भाई पर उल्लू चाहिए यार आज के हालत में, आज मतलब आज आज के दिन पे उल्लू चाहिए किसी भी हाल में। तो मारेंगे आज, मारेंगे आज, चलो भाई अरकम जा रहा है भाई ऑर्डर छोड़ने, बढ़िया से छोड़ के आइयो, खुद मत छूट जाए। तो भाई यार मैं देखो यार उल्लू के चक्कर में आ चुका हूँ यार यहाँ पे वेयर हाउस पे ही। भाई मुझे उल्लू के चक्कर में सेक्टर 61 जाना पड़ा, और भाई जिस चीज की मेरे को तलाश थी यहाँ पे इतनी सारी भतेरी लगी हुई थी ना भाई, देख सकते हो आप लोग, और बहुत सारे बंदे यहाँ पे एक्सचेंज कराने के लिए अभी आ रखे थे, प्लस नया उल्लू के चक्कर में भी आ रखे थे। जैसे मैं परेशान था भाई, सभी लोग भी परेशान थे, किसी को आधा घंटा, किसी को दो एक घंटा, ये सबको वेट करा रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पे रिपेयर भी हो रखा था। तो सेक्टर 62 में भाई सबसे बड़ा स्टोर था, ये देखो कितने सारे उल्लू खड़े हैं यहाँ पे, और भाई जिसको भी चाहिए वो यहाँ से आके उठा सकता है, क्योंकि भाई अपने नियर बाई स्टोर में तो मिलना मुश्किल हो, बट यहाँ पे चेक करो यार कितना ज़्यादा लगा हुआ है। और मैं भाई यहाँ से अपनी उल्लू एक उठा के घर की तरफ निकलता हूँ। सो गाइस देखो यार मैं उल्लू को घर लेके आ चुका हूँ, और भाई इसको लाने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बड़ी मुश्किल से आई है भाई अपने पास। अरे मत छेड़ उसको, वो टूट जाएगा। और भाई इल्लू लाने का एक रीज़न है भाई, मैं आप लोगों को कल वीडियो में बताऊंगा। बाकी भाई जिस जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि मैं इल्लू ये वाला लेके क्यों आया हूँ, वो कमेंट करके बताना, मतलब समझ रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो कमेंट कर देना भाई। बाकी अभी इल्लू वहीं खड़े करते हैं, और आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर जाना। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बेस्ट से बेस्ट, प्लीज़ बाय।